दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो के क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में नतीजों के बारे में हम बात करेंगे, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है वो भी हम बात करेंगे, और ओवरऑल कैसे नतीजे रहे हैं, आउटलुक कैसा है भविष्य के लिए, ये सब चीजों के बारे में वीडियो में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बता देते हैं, 18 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। अगली जो एक्स डिविडेंड डेट पेमेंट डेट जो है वो बाद में आ जाएगी, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रेवेन्यू की अगर हम बात करें पूरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर 35% रेवेन्यू बढ़ा है, और अभी रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है 48,000 करोड़ के आसपास। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जब बात करते हैं तो 33% ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। तो एक चीज हमको समझ में आ रही है, क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर बहुत ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है, चीजें बहुत ही सुधरी है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम पूरे साल की बात करते हैं तो चीजें शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू जो है पूरे ग्रुप लेवल का 7% डिक्लाइन हुआ है पूरा साल, मतलब 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। रेवेन्यू 1.36 लाख करोड़ का रहा है, जो कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उससे 7% कम रहा है। रीजन था यही कोविड रिलेटेड डिसरप्शन, हमने क्वार्टर वन में देखा, घर से बाहर ही हम नहीं निकल पा रहे थे, तो फिर लार्सन एंड टूब्रो के जो मेन बिजनेसेस हैं तो वो सब काम कैसे हो पाएंगे, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना। अब ये है भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा, ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक कैसी रही है वो समझते हैं। ये देखिए 50,000 करोड़ का के आसपास की ऑर्डर इनफ्लो हुई है ये जनवरी से मार्च के महीने में, तो ये थोड़ा सा 12% है, 12% ये कम हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब इंटरनेशनल जो ऑर्डर बुक है इसमें से मैक्सिमम रही है, मुझे याद है जो मिडल ईस्ट है वहां पर एक बहुत बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट इनको मिला था, ये एक महीने के अंदर की खबर है, तो ये 18,000 करोड़ तो वही है। इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम देखें तो 36% यहाँ पर अभी टोटल ऑर्डर बुक मिल रही है, मतलब भारत से बहुत बड़ी ऑर्डर बुक्स नहीं मिल रही है, ये एक चीज है। अगर आप पूरे साल की अगर बात करें तो देखिए 1.75 लाख करोड़ का ऑर्डर पूरे साल में हुआ है, लेकिन ये 6% डिक्लाइन हुआ है, तो ये चीज बहुत ही अच्छी नहीं है। फिर ओवरऑल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे पूरा, जो पूरी लार्सन एंड टूब्रो जो बिजनेस करती है, तो इसमें 8% का ग्रोथ है, 3.27 लाख करोड़, मतलब इतने की तो ऑर्डर बुक है उनके पास। और दोस्तों कभी भी इंफ्रा कंपनी के बारे में आप रिसर्च करते हैं, समझते हैं, तो ये ऑर्डर बुक देखना जरूरी है, क्योंकि जो पास्ट में हो गया वो हो गया, लेकिन भविष्य में आपके पास कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो समझना जानना बहुत जरूरी है। तो भविष्य के लिए 3.27 लाख करोड़ का बिजनेस है, इस क्वार्टर में हम देखें तो लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस, और इस साल की बात करें तो 1.75 लाख करोड़ का बिजनेस है। अब 21% जो ऑर्डर बुक है जो यहाँ मैंने लास्ट में लिखा हुआ ये आई है कहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है, तो बाहर से भी अगर, क्योंकि मिडल ईस्ट में हम देखते हैं लार्सन टूब्रो का ज्यादा से ज्यादा काम है। अब आउटलुक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहा है इन रिजल्ट से कि कोविड के कारण यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, रिवर्स लेबर माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि जो लेबर्स थे, जो भी काम करते थे, जो भी यहाँ पर साइट में जो भी काम करते थे, तो वो फिर से अपने गांव की तरफ जाने लगा। बहुत ही मीडिया में हमने देखा था पिछले साल मई जून महीने में बहुत न्यूज आ रही थी, सप्लाई चेन को लेकर डिसरप्शन थे, और जब बड़े ब्रिज बनते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर ही नहीं है, आदमी ही नहीं है, तो आदमी कैसे तो ये सब काम कैसे हो पाएंगे, तो ये सब फर्क पड़ा ही है। लेकिन बहुत हद तक चीजें क्वार्टर फोर में नॉर्मलाइज हो गई थी, ठीक ठाक हो गई थी जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन तभी अप्रैल मई में आ जाता है सेकेंड वेव, उसके कारण से फिर से स्लो डाउन हो जाता है। तो जब क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा अप्रैल मई जून, तो फिर से हमको ऐसा देखना पड़ सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये कंपनी ने कहा है कि ये टेम्पररी स्लो डाउन है। और आज ही एक न्यूज है, अच्छी न्यूज है, कि चेन्नई मेट्रो से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है, 2500 से 5000 करोड़ रुपए के बीच का ये एक लार्ज प्रोजेक्ट लार्सन एंड टूब्रो ने आज ही जीता हुआ है। अगर हम बात करें 14 मई की बात करें, जिस दिन रिजल्ट निकला हुआ है, तो अभी कंपनी का फोकस लार्ज प्रोजेक्ट विंस पर ही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट 2500 करोड़ 10000 करोड़ के प्रोजेक्ट जीतते जाए, और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मिले और उसके बाद एग्जीक्यूट जल्दी जल्दी करें, उसी पर ही फोकस रहेगा। बाकी नतीजे जो हैं मिले जुले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि डिसरप्शन हुआ है, और भविष्य के लिए भी अगले 2-3 महीने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर ना रखें, क्योंकि
थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा ही है अप्रैल और मई के महीने में भी दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी डिविडेंड 18 रुपीज पर शेयर है, तो वो इन्वेस्टर अपने नॉलेज में रख सकते हैं। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ नई लर्निंग हुई होगी, नया कुछ सीख के गए होंगे। चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।